गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आपके सामने पाइथन का लेक्चर नंबर 2 लेके, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और एक एक फीचर को हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। स्टार्टिंग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रियल टाइम एप्लीकेशन जो पाइथन की हेल्प से डेवलप की जा सकती है वो कौन कौन सी होती है, क्योंकि अगर आपको मेरा पिछला लेक्चर याद है तो मैंने वहां पर पाइथन की एक डेफिनेशन आपको बताई थी, जहां मैंने कहा था पाइथन इज अ जनरल पर्पज लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जनरल पर्पस का मतलब ये था कि पाइथन आज की डेट में हर तरीके के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, हर तरीके की एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जा रहा है, इस प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसी को मैंने यहां पे आपको समझाने की कोशिश की है इस फिगर की हेल्प से। जितने भी एप्लीकेशंस हो सकते हैं रियल टाइम के, उन सब में पाइथन इन्वॉल्व है, ये समझाने के लिए ये इमेज मैंने बनाई है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, अगर आज की डेट में आप वेब एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं जहां पे आप वेब पे अपनी एप्लीकेशन को होस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करूं जावा की, जैसे कि पाइथन के अलावा जो मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पॉपुलर है। जावा के अलावा भी बहुत सारी हैं, अगर आप देखें तो .NET भी बहुत पॉपुलर है। लेकिन फिर पाइथन की हमें ज़रूरत क्यों है, ये एक सवाल आता है। देखिए, पाइथन की ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि जो काम जावा में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग कोड लिखना पड़ता है, वही काम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ही छोटे कोड, बहुत ही सिंपल कोड से हो जाता है। तो फिर आपका अगला सवाल हो सकता है, तो क्या पाइथन ने जावा को रिप्लेस कर दिया है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि जावा को रिप्लेस किया जा सकता है। जावा की अपनी एक अहमियत है, बहुत सारी सिस्टम ऑलरेडी एप्लीकेशंस जावा पे बनी हुई हैं, ऐसे में ये बिल्कुल भी कहना सही नहीं है कि जावा को रिप्लेस कर दिया। बट यस, इट्स एन ऑल्टरनेटिव। अगर आप वही सारे काम पाइथन से करना चाहते हैं तो पाइथन के पास ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं जहां आप ये काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करूं तो जावा के अंदर आपको बहुत सारे फ्रेमवर्क मिल जाएंगे, जिसमें JSP बड़ा पॉपुलर है, स्प्रिंग बड़ा पॉपुलर है, तो इस तरह के फ्रेमवर्क आपको जावा में मिल जाएंगे। अगर आप .NET की बात करेंगे तो ASP.NET बहुत पॉपुलर है, जिसमें कि आप अपनी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर अब मैं बात करूं पाइथन की, तो पाइथन के केस में आपको वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जो वेब फ्रेमवर्क मिलेंगे वो होते हैं, यहां पे सबसे जो पॉपुलर इस समय मार्केट में है, दैट इज Django। डी साइलेंट है यहाँ पे, इसे आप Django भी कह सकते हैं, Django भी कह सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कह सकते हैं, बट दिस इज वेरी पॉपुलर। आज की डेट में Django फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पाइथन का एक और वेब फ्रेमवर्क आपको मिलेगा, दैट इज पिरामिड, ये भी काफी पॉपुलर है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा दोस्तों देखिए, यहां पे ये जो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क का मतलब है आपको एक ऐसा पाइथन पे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां सारी चीजें होंगी और आप अपनी एप्लीकेशन इजीली डिजाइन कर सकते हैं। तो जो काम आप जावा में कर सकते थे वही काम आप पाइथन में आज Django या पिरामिड जैसे वेब फ्रेमवर्क की हेल्प से कर सकते हैं। बात करेंगे कि आप माइक्रो वेब एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं, छोटी छोटी वेब एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी पाइथन में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें कि बॉटल एंड फ्लास्क इज वेरी पॉपुलर। तो आप कह सकते हैं कि माइक्रो वेब एप्स के लिए, माइक्रो वेब एप्स के लिए आपके पास यहां पे बॉटल, अगेन ये एक वेब फ्रेमवर्क है, फ्लास्क एक वेब फ्रेमवर्क है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल लग रहा है कि सर ये फ्रेमवर्क क्या होता है, ये ऐसा लग रहा है कि कोई टेक्निकल टर्म है जिसके बिना हम प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते, तो दोस्तों जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा हो जाएगा तो इस तरह की बातें धीरे धीरे आपको समझ आने लगेंगी। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई भी टर्म, कोई भी बात ऐसी लग रही है कि यार ये थोड़ा सा एडवांस फील हो रहा है, तो हो सकता है कि पहली बार देखने पर यह आपको थोड़ा सा एडवांस लगे, बट ये बहुत सिंपल है, जस्ट लाइक एनी लैंग्वेज Like हिंदी एंड उर्दू, ऐसे ही ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये इतनी ही आसान है जितना आपका और हमारा बोलना, तो नो नीड टू वरी। देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर मैं हिंदी की बात करूं या अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं, तो इंग्लिश में आप बोल सकते हैं यू आर मोस्ट वेलकम,
राइट, आई लव यू फॉर एवर। लेकिन क्या हमने इसके बैकग्राउंड पे, अब मैं बात करूं टेंसेस की, व्हाट इज पास्ट प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज पास्ट परफेक्ट एंड व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज पास्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, ये परफेक्ट, वो परफेक्ट, फिर मैं आपसे कहूं व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज नाउन, मैं आपसे ग्रामर पूछने लगूं तो आप में से 99% फेल हो जाएंगे कि सर हमें ग्रामर नहीं आती। लेकिन अंग्रेजी तो आती है, आप टूटी फूटी अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, माई नेम इज भूपिंदर राजपूत। अब वहां पे हु इज नाउन एंड व्हाट इज नाउन एंड व्हाट इज प्रोनाउन एंड व्हाट इज एडजेक्टिव, दैट इज डजंट मैटर, राइट, अगर आपको नहीं पता। तो यही प्रोग्रामिंग है दोस्तों, प्रोग्रामिंग भी करना बहुत आसान है, उसकी बुनियादी बातें हो सकता है पढ़ने में मुश्किल लगे, जैसे कि इंग्लिश में नाउन प्रोनाउन हमें आज तक नहीं आए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि नाउन प्रोनाउन नहीं आते तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते, आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। तो कहने का मतलब यही है, पाइथन प्रोग्रामिंग आप फर्राटेदार कर लोगे, प्रोग्रामिंग आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। मैं ग्रामर जो इसकी पढ़ाऊंगा, जो इसकी बुनियादी बातें पढ़ाऊंगा, उसे आप ग्रामर कह लें एक तरीके से प्रोग्रामिंग की, तो वो अगर आपको नहीं भी समझ आएगी ना थोड़ी बहुत, तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, आप प्रोग्रामिंग परफेक्ट कर पाएंगे, नो नीड टू वरी। इसको कंपेयर करें हमारी नॉर्मल बोलचाल लैंग्वेज के सिंटैक्सिस से, राइट। तो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात मैंने आपको बताई कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो है किस तरीके के वेब फ्रेमवर्क अवेलेबल है। इसके बाद पाइथन को इस्तेमाल किया जा सकता है जीयूआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। अब आप कहेंगे सर ये किस तरह की एप्लीकेशंस होती है, या जीयूआई बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझें कि आप बिल्कुल आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक आपको मिला हुआ होगा, इसको मैं ऐसे कह लूं अगर कि इस तरीके का कोई आप इंटरफेस बनाना चाहते हैं, इंटरैक्टिव पैनल आप बनाना चाहते हैं, जैसे कि टच पैनल जो होते हैं टीवी के, वहां पे ऑप्शंस होते हैं, आपको साउंड बढ़ानी है, आपको उसका ऑन करना है, ऑफ करना है, या फिर आपने ऐसे ही पैनल अगर किसी एप्लीकेशन में यूज कर रहे हो नेटफ्लिक्स के अंदर या अमेज़न प्राइम के अंदर, जहां पे जीयूआई पैनल बना हुआ है, वॉइस बढ़ानी है, ब्राइटनेस बढ़ानी है, इवन ऑन योर मोबाइल फोन उसकी वॉइस बढ़ानी है, घटानी है, उसकी ब्राइटनेस कम करनी है, ज्यादा करनी है, ब्लूटूथ कनेक्ट करना है, नहीं करना, That is a GUI panel, जो आपको मोबाइल पे मिलता है। तो इस तरह की चीजें अगर आप पाइथन की हेल्प से डेवलप करना चाहते हैं तो यहां पर एक बड़ा अच्छा लाइब्रेरी अवेलेबल है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज टीकिंटर। टीकिंटर दिस इज अ वेरी पॉपुलर टू क्रिएट आ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन यूजिंग पाइथन, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन पे। कंसोल बेस्ड आप ऐसा समझ लो जैसे कि जस्ट लाइक कैलकुलेटर, आपके लैपटॉप में कैलकुलेटर होता है, आप कैलकुलेटर में चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, बटन्स होते हैं, कंसोल होता है, इट्स जस्ट लाइक अ कंसोल। ऐसे कंसोल आपको गेमिंग कंसोल भी हो सकते हैं, जहां पे आपको लेफ्ट राइट बटन्स होते हैं और आप उनको टच करते हो या कीबोर्ड से यूज करते हो, तो that is kind of console। अगर ऐसी कोई application आप बनाना चाहते हैं तो वो भी यहां पर बनाई जा सकती है। उसके लिए यहां पर जो library available है that is REPL, इसकी full form होती है read evaluate loop, so this is a REPL, ये एक आप कह सकते हैं कंसोल बेस्ड। और इसके अलावा जो एक और आपके पास कंसोल बेस्ड के लिए लाइब्रेरी अवेलेबल है दैट इज फाइल्स, जिसमें कि आईओ इज अवेलेबल। तो इस तरह के कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस भी आप पाइथन की हेल्प से बना सकते हैं। अगर ये बातें अभी ज्यादा समझ नहीं आ रही हैं तो जस्ट नोट इट डाउन जो भी बातें मैं आपको बताता जा रहा हूं। इसके बाद आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिल्डिंग टूल्स बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिसे आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, कोई भी सॉफ्टवेयर है आप लैपटॉप पे से, जिसको भी आप गूगल क्रोम में जाके डाउनलोड करते हैं, तो उसको फिर आप इंस्टॉल करते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके इंस्टॉलर्स बनाए जाते हैं, जिनको इंस्टॉल किया जाता है, उस तरह के सॉफ्टवेयर भी आप यहां से बना सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिल्डिंग टूल्स, देयर आर लॉट्स ऑफ यू कैन से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिल्डिंग टूल्स जो आप यहां पर बना सकते हैं, राइट। तो इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं वो हो सकता है, जस्ट लाइक जूम एप्लीकेशन जिसपे आप बात करते हैं, तो Zoom भी एक सॉफ्टवेयर है, तो उसको Python की हेल्प से बनाया जा सकता है। Then business application कैसी होती है, ERP हो सकती है आपकी,
एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, या फिर आपका ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो सकती है लाइक अमेजन एंड फ्लिपकार्ट। तो अगर ऐसी कोई बिजनेस एप्लीकेशंस हैं तो वो भी आप बहुत इजीली फ्लिप जो है पाइथन की हेल्प से बना सकते हैं। अगेन इस तरह के चीज़ों के लिए, जैसे कि हमारे पास ईआरपी है या ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, इनके लिए हमारे पास लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं जहां से आप बहुत इजीली इनको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड एप्लीकेशन की बात करें जस्ट लाइक क्रोम या फिर आई मीन टू से एमएस ऑफिस जो एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है आपके लैपटॉप में, तो इस तरह की एप्लीकेशंस भी आप डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। इसके बाद इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, जहां पर आप अपनी फोटो एडिटिंग करते हैं, आपके पास बहुत सारे फोटो एडिटिंग टूल्स आपके मोबाइल में अवेलेबल होते हैं, आपके लैपटॉप में पिकासा होता है, एडोब फोटो एडिटर होता है, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर भी आप डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। इसके बाद अगर डेटा साइंस की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, तो यहाँ पर भी आपके पास मल्टीपल लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं जिनसे आप ये सारा काम कर सकते हैं। जिनमें बड़ी पॉपुलर लाइब्रेरीज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नमपाई इज वेरी फेमस, पांडा इज वेरी फेमस, तो सो दीज आर दी लाइब्रेरीज जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। So these are very popular for data science, AI, ML. तो आप गेम डेवलप कर सकते हैं, जो ऑनलाइन गेम्स आपके जितने भी आप यूज करते हैं उन सबको आप पाइथन की हेल्प से डेवलप कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो साइंटिफिक एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है, जो कि नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या फिर इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो भी हमें कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो वो भी आप विद द हेल्प ऑफ पाइथन बहुत ईजीली कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, नासा और इसरो और इस तरह की जो भी जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, CIA है, FBI है, ये सब यूज करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का अपने सॉफ्टवेयर से डेवलप करने पे, जो कि साइंटिफिक एप्लीकेशंस जो भी इन्हें बनानी होती हैं, जस्ट फॉर फॉरेंसिक पर्पसेस, फॉर साइबर सिक्योरिटी पर्पसेस एंड फॉर मल्टीपल पर्पसेस। ऑडियो वीडियो एप्लीकेशन अगर आप बनाना चाहते हैं जहां पर आवाज भी आ रही हो, वीडियो भी चल रही हो, सिंक हो रही हो, आपको उसको 2x स्पीड पे देखना है, 3x स्पीड पे देखना है, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स अगर आप बनाना चाहते हैं जस्ट लाइक VLC प्लेयर, तो आप उसके लिए भी पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में, ठीक है, इट्स ओवर, सो दीज आर द एंटायर यू कैन से एरिया जहां पर पाइथन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा नेटवर्क एप्लीकेशंस हो सकती हैं और हजारों एप्लीकेशंस हो सकती हैं जहां पाइथन का इस्तेमाल होता है। पाइथन आज इतना पॉपुलर है कि फेसबुक से लेके ट्विटर तक और लिंक्डइन तक और हर जगह पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हर एप्लीकेशन में, हर सॉफ्टवेयर में आज इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दीज आर द रियल टाइम एप्लीकेशंस। अब मैं पहले आपको पाइथन की इंस्टॉलेशन करके दिखाता हूं अपने लैपटॉप के ऊपर, ताकि अगर मैं आपको कुछ समझाना हो तो मैं इजीली समझा सकूं। तो पहले अब हम अपने लैपटॉप पे ये देखेंगे कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो लो जी, आ गए हम अपने लैब के ऊपर और यहाँ पे आपने सबसे पहले, मैंने आपको बताया कि पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए आपको वेबसाइट सर्च करनी है www.python.org। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इस तरीके का ये कुछ यहाँ पे वेबसाइट नज़र आएगा। हो सकता है वक्त के साथ थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाए, बट आपको हमेशा यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन नज़र आएगा। ये देखिए, डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलेगा। हो सकता है फ्यूचर में चीज़ें चेंज हो जाएं तो ये ऑप्शन कहीं और लगा दें, ऐसा भी हो सकता है, बट मतलब मिलेगा। इस वेबसाइट पे आपको हमेशा डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ नहीं मिलता है तो यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे देखो डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से भी कर सकते हो। डाउनलोड फॉर विंडोज़ पाइथन 3.11.2। अगर आप मैक ओएस यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ क्लिक करो और मैक के लिए आप यहाँ से मैक ओएस का इंस्टॉलर, ये वाला लेटेस्ट जो है, ये डाउनलोड कर सकते हो अपने मैक के लिए। अभी क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोग विंडोज़ वाले हैं तो आपको यहाँ पर पाइथन 3.11.2 पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं 24.2 MB की एक फाइल है जो यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। ये डाउनलोड हो जाए एक बार, फिर मैं इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो ये डाउनलोड हो गई है। आप जैसे ही इस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा आएगा इंस्टॉल नाउ करके। आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, कहीं पर कोई चेंज नहीं करना है। जैसा जैसा आता जा रहा है आप सिलेक्ट करते जाओ, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो। यहाँ पे यस का ऑप्शन आएगा, यस पे क्लिक करो। यहाँ पे ये सेटअप इंस्टॉल होने लगेगा, देख सकते हैं आप इंस्टॉल हो रहा है। लाइब्रेरीज, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कुछ यहाँ पे इंस्टॉल हो रही हैं।
तो आप देख सकते हैं सेटअप वॉज सक्सेसफुल, आपका पाइथन इंस्टॉल हो गया है। आप इसे क्लोज कर दें, वेबसाइट को क्लोज कर दें। अब जैसे ही आप सर्च में आके पाइथन टाइप करेंगे, आपको यहाँ पे पाइथन ये यहाँ पे नजर आएगा। अगर आप डायरेक्ट पाइथन पे जाना चाहते हैं, आप सिंपल पाइथन सर्च करके एंटर कर दें, अपने आप आपका पाइथन ओपन हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपका जो पाइथन सॉफ्टवेयर है, ये देखिए आपका पाइथन सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। तो ये तरीका है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप सर्च में जाके आपने जो पाइथन इंस्टॉल किया है आप उस पर क्लिक करें, तो ये देखिए पाइथन 3.112 आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है और इस तरीके का ये ब्लैक स्क्रीन कुछ आपको ऐसी दिखेगी, जहां आप अपने सारे जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, यहां पर कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करना मैंने सिखा दिया है, अब आगे चलते हैं बोर्ड पे, आगे की चीजें देखते हैं, फिर यहां पे वापस आएंगे। अब हम अगर पाइथन के फीचर्स की बात करें तो पाइथन के तकरीबन 12 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो हमें वन बाय वन डिस्कस करने हैं। तो पहले मैं देख लेता हूं कि फीचर्स क्या होते हैं। और देखिए अगर मैं बात करूं कि फीचर्स किसे कहते हैं, तो फीचर्स होते हैं कि कोई चीज आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रही है, क्या सर्विसेज वो आपको दे रही है, उसे हम फीचर्स कह सकते हैं। तो फीचर्स ऑफ अ लैंग्वेज आर नथिंग बट सर्विसेज या फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय लैंग्वेज डेवलपर्स इन द लैंग्वेज विच आर यूज बाय लैंग्वेज प्रोग्रामर फॉर डेवलपिंग रियल टाइम एप्लीकेशन। तो फीचर्स का मतलब है कि क्या क्या सर्विसेज वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करती है। तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर जो पाइथन प्रोग्रामिंग आपको देती है, जो कि बड़ा सिंपल भी है, दैट इज सिंपल एंड ईजी टू लर्न, कि इसको लिखना बहुत आसान है, इसको सीखना बहुत आसान है। और इसकी डिटेल में बात करूंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा कि सिंपल क्यों है बाकी अदर लैंग्वेजेस से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने यहाँ पे पॉइंट को लिख दिया, डिस्कस हो गया, नो, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा एक एक पॉइंट कि आखिर ये सिंपल क्यों है, आखिर ये फ्रीवेयर क्यों है, ओपन सोर्स क्यों है, इसका क्या मतलब है। तो सेकंड पॉइंट इज फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स, ये भी इसका एक फीचर है। थर्ड पॉइंट इज डायनामिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या होता है डायनामिकली प्रोग्राम्ड लैंग्वेज, ये भी हम डिस्कस करेंगे। देन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है ये भी डिस्कस करेंगे। देन पोर्टेबल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रोबस्ट और एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सपोर्ट थर्ड पार्टी API। ये तो फीचर्स हैं जो मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ के सुनाए हैं, लेकिन खाली इन्हें पढ़ने से कोई काम नहीं चलेगा। तो अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि हर फीचर का क्या मतलब होता है। तो अब जरा हम पॉइंट नंबर वन को डिस्कस करते हैं, जिसका है सिंपल एंड इजी टू लर्न। तो ये पॉइंट नंबर वन है। देखिए जनरली जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वहां पे बस ये कह दिया जाता है पाइथन इज सिंपल इजी टू लर्न, क्योंकि ये जस्ट ह्यूमन रीडेबल होती है या इजी टू लर्न होती है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंसेज होते हैं वो बड़े इजी होते हैं, उनको देखकर आप इजीली समझ सकते हैं। तो ऐसी डेफिनेशन कुछ आपको मिलती है वहां पर कि पाइथन इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हेन वी रीड पाइथन प्रोग्राम वी कैन फील लाइक रीडिंग इंग्लिश स्टेटमेंट। तो इस तरह की बातें बस बता दी जाती हैं। बट टेक्निकली आखिर पाइथन क्यों जावा से, सी से, सी प्लस प्लस से सिंपल एंड इजी टू लर्न है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे के तीन इंपॉर्टेंट लॉजिक है। पहला लॉजिक जो यहां पर लिखा है, पाइथन लैंग्वेज प्रोवाइड रिच सेट ऑफ मॉड्यूल्स और API जो इसको आसान बनाता है और बेहद आसान बनाता है। तो गाइस अगर जब भी कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए या आपसे कोई कहे कि वाई, अगर आपके जबान से कभी निकल जाए कि पाइथन इज सिंपल एंड इजी टू लर्न इन कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेजेस, तो उनका अगला सवाल होगा हाउ, आखिर कैसे वो अलग है। सो टेक्निकल आंसर होगा यस, पाइथन हैज लॉट्स ऑफ मॉड्यूल्स। अब आप कहेंगे सर ये मॉड्यूल्स क्या होता है, हम तो नहीं जानते, हम तो प्रोग्रामिंग में नए हैं, नॉन टेक्निकल हैं, हमारा तो टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं सब समझाऊंगा आपको मॉड्यूल्स किसे कहते हैं या APIs किसे कहते हैं। देखिए मॉड्यूल या लाइब्रेरी, देखिए आसान भाषा में आप इन मॉड्यूल्स को कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी कह सकते हो। जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात, कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी, आप ये कह सकते हो कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, लाइब्रेरी होती है, या हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं। अब आप मुझे बताएं लाइब्रेरी किसे कहते हैं, एक ऐसी जगह को कहते हैं जहां पे हमारी बहुत सारी किताबें रखी होती हैं, हर चीज से रिलेटेड किताबें रखी होती हैं। अगर आपको बॉटनी की चाहिए, जूलॉजी की चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क्स की चाहिए, मैथमेटिक्स की चाहिए, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, व्हाटएवर, आपको वो सारी उस लाइब्रेरी के अंदर मिलती हैं।
एक लाइब्रेरी कब बेहतर मानी जाती है? जब वहां पे हर वो किताब मौजूद हो जो पढ़ने वाला पढ़ना चाहता है। कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जिस भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है, अगर वहां उससे रिलेटेड किताबें मौजूद हैं तो वो लाइब्रेरी क्या मानी जाएगी? एक अच्छी लाइब्रेरी मानी जाएगी। मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? ऐसे ही दोस्तों, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी मानी जाएगी? जहां पे बहुत सारी लाइब्रेरी होंगी। अब आप कहेंगे, सर बात तो आपकी हल्की हल्की समझ आ रही है, लेकिन इस बात का मतलब क्या है? देखिए, इस बात का मतलब यह है कि जब आप मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो कई सारे ऐसे काम जो आपको जावा में बहुत लंबे कोड लिखकर करने पड़ते हैं, वो यहां पर एक सिंगल लाइन ऑफ कोड से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मॉड्यूल अवेलेबल है। सिंपल, बस उस मॉड्यूल की हेल्प से आप उस काम को कर सकते हैं। अब आप कहेंगे, सर बात नहीं समझ आ रही, एक बार कुछ करके दिखाएं तो बेहतर समझ आए। तो इसके लिए चलते हैं सीधा लैब पे और मैं इस बात को प्रूफ करके दिखाता हूं कि आखिर कैसे पाइथन सिंपल है और मॉड्यूल की हेल्प से काम हमारा चुटकियों में हो जाता है। तो चलते हैं लैब पे और इसको पहले करके देखते हैं। तो सबसे पहले अब हम पाइथन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर चुके हैं, तो इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये आपके लैपटॉप में ही है, ये ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पर देखें, पाइथन आसान है, ये मैं जो कह रहा हूँ, जो बात मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फीचर्स में, तो इसको प्रूफ करके देखते हैं। देखो, पाइथन में ना कोई भी मैथ का ऑपरेशन है बड़ा सिंपल है। 3+2 कर दो आप, ये बता देगा कि भाई 3+2 कितना होता है? 5 होता है। अगर आप 6+8 कर दें, कोई बड़ी वैल्यू ले लो, आप कोई बड़ी वैल्यू ले लो, कुछ भी रैंडम वैल्यू ले लो, ये उसको प्लस कर देगा। तो ये बहुत ईजी है, बहुत इजी है पाइथन। अब यहाँ पे आपको कुछ माइनस करनी है, कोई बड़ी वैल्यू सपोज करें, आप कुछ भी वैल्यू माइनस करें उसका आंसर आपको मिलेगा। सिंपल माइनस करना है, प्लस करना है, डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल 500 डिवाइड बाय 6, 83.33 आप डिवाइड कर सकते हो। मल्टीप्लाई करना है, 50 मल्टीप्लाई, शिफ्ट दबा के 8 वाला नंबर दबा दीजिएगा, उसमें स्टार बन जाएगा आपका। 50 मल्टीप्लाई 8 कर दो, 400 आ गया। यानी प्लस माइनस डिवाइड, इस तरह की चीज़ें बड़ी आसानी से यहाँ पर की जा सकती हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग टाइप कराना चाहते हो, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, तो वो भी आप करा के देख लो। वो आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा तभी वो आएगा। तो इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल कॉमा हो सकता है, डबल इन्वर्टेड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हेलो वर्ल्ड आ जाएगा आपका। अब यही काम प्रिंट करा के भी आप कर सकते हो। आप प्रिंट करके भी इस कमांड को चला सकते हो। इन्वर्टेड कॉमा में आप हेलो वर्ल्ड लिखो और यहाँ पे अब आप चेक करो, आपको बिना इन्वर्टेड कॉमा के आपको नज़र आएगा। सिंगल कॉमा वहाँ पे नज़र आ रहा था, यहाँ पे सिंपल जो इस स्ट्रिंग के अंदर लिखा होगा वो ये आपको टाइप करके देगा। तो बड़ा आसान है। आप सपोज करें मेरे इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा है, सपोज सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको पूरा हेलोज वर्ल्ड मिलेगा। लेकिन अगर आप सिंगल कोटेड करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, सिंगल इन्वर्टेड यहाँ पे ले लो और डबल इन्वर्टेड बीच में। याद रखिएगा, अगर बीच में आप डबल इन्वर्टेड यूज़ कर रहे हैं तो बाहर आप सिंगल इन्वर्टेड से काम चलाइए, ताकि ये समझ जाए। बहुत इंटेलिजेंट है पाइथन, ये अपने आप समझ जाएगा। देखिए, आप अंदर इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर लिया, लेकिन अगर आप तीन बार जैसे तीनों जगह इन्वर्टेड कॉमा डबल ही लेंगे तो एरर दे देगा, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा ये खत्म कहाँ हो रहा है। यहाँ पे भी डबल इन्वर्टेड कॉमा है, फिर लास्ट में भी आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर दिया, तो उस केस में ये एरर दे देगा। ये कहेगा, भैया हम नहीं समझ पा रहे कि ये तीन तीन बार आ रहा है, तो आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर अंदर सिंगल इन्वर्टेड का यूज़ हो रहा है तो बाहर आप डबल इन्वर्टेड से क्लोज कर दो, अंदर अगर आपने डबल यूज़ किया तो बाहर सिंगल से क्लोज कर दो। पाइथन इज़ वेरी सिंपल, इज़ वेरी सिंपल। अब यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि बड़े काम कैसे हो सकते हैं। जैसे आपने सपोज करें कैलेंडर टाइप करना है, आपने कैलेंडर टाइप करना है, तो आप क्या करेंगे, प्रिंट प्रिंट और प्रिंट करके ये आपने ब्रैकेट को स्टार्ट किया, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट दबा दीजिएगा, 9 नंबर पे होता है ये, आप दबाइएगा। अब यहाँ पे कमांड चलाओ कैलेंडर, कैलेंडर क्या है, मेरा मॉड्यूल होता है, तो इनको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिलहाल ये कैलेंडर एक मॉड्यूल है जिससे डायरेक्टली आपका कैलेंडर प्रिंट हो जाता है। कोई कमांड, कोई मैथमेटिक्स, कुछ नहीं करनी। किस महीने का आपको चाहिए, महीना टाइप करो। तो अब आप कहते हो, जी मुझे 2023 का फरवरी महीने का, या ये कौन सा महीना चल रहा है, मार्च या अप्रैल, तो अप्रैल यानी कि चौथे महीने का चाहिए। देख लेते हैं, एंटर करें, अभी एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, अच्छा दो बार इन्वर्टेड, ये सॉरी क्लोज करेंगे आप। दो बार क्यों क्लोज करना है, क्योंकि दो बार स्टार्ट हुआ है। ब्रैकेट जितनी बार स्टार्ट होता है उतनी बार आपको क्लोज करना होता है,
कैलेंडर यहाँ पे मॉड्यूल है और मंथ जो है यहाँ पे फंक्शन है। ये बात धीरे धीरे समझ आएगी अभी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे होंगे सर आप तो डायरेक्ट कमांड चलाने लग गए, आपने कोई सिंटैक्स नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। आप ऐसे ही सीखोगे, डायरेक्ट ऐसे ही सीखोगे इसको, कोई सिंटैक्स विंटैक्स के चक्कर में मत पड़ो। सिंटैक्स भी पढ़ाऊंगा और इतना डिटेल पढ़ाऊंगा कोई नहीं पढ़ाएगा, बट फिलहाल ऐसे ही ट्राई करो। देखो एंटर करूंगा, एरर आएगा, देखो एरर आ गया। क्या कहता है? कैलेंडर डिफाइन नहीं है, यानी ये कह रहा है पाइथन को नहीं पता कैलेंडर कैसे बनता है। तो हमारे पास मॉड्यूल होते हैं यहां पे, इंपोर्ट कैलेंडर, देखो कितना आसान है, इंपोर्ट कैलेंडर। अब पाइथन को पता है, यानी मैंने वो फाइल इंपोर्ट कर ली है कि कैलेंडर वाली, जो जिससे कि पाइथन को पता चले कैलेंडर कैसे छापते हैं। हम उठा के लिया है, अब यही कमांड दोबारा चला दो, ये लो जी आ गया पूरा अप्रैल का कैलेंडर, आ गया कि नहीं आ गया। अब आप कहते हो पूरे साल का कैलेंडर चाहिए, तो पूरे साल के कैलेंडर को क्या कहा जाता है? कैलेंडर ही कहा जाता है। कैलेंडर का मतलब ही होता है जो 12 महीने का पूरा होता है उसे कैलेंडर ही बोलते हैं। तो कैलेंडर डॉट कैलेंडर, यानी मुझे कैलेंडर ही चाहिए। कौन सा कैलेंडर चाहिए? मुझे 2023 का कैलेंडर चाहिए फॉर एग्जाम्पल। तो 2023 का कैलेंडर चाहिए, तो यहाँ पे खाली 2023 आप लिख दो और एंटर कर दो। ये लो जी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, और आपको कोई मैथमेटिक्स नहीं करनी पड़ी। इस ये फायदा है पाइथन का, इसीलिए मैंने कहा ये सिंपल है, इजी टू लर्न है। बस आपने मॉड्यूल को इंस्टॉल किया, कमांड को चला दिया, एक कमांड से पूरा कैलेंडर छप के आ गया। यानी आप चाहें तो कोई ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हो जिसमें हर साल का कैलेंडर आ जाए। आप सपोज करें 2050 का कैलेंडर देखना चाहते हैं, आप एंटर करो, एक सेकंड के अंदर 2050 का कैलेंडर आ गया। 2050 में 1 जनवरी को शनिवार होगा और मेरा जन्मदिन आता है 14 फरवरी को, उस दिन सोमवार होगा, ये देख सकते हैं आप अगर मैं जिंदा रहा तो। ठीक है, तो 2050 का कैलेंडर यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे 2030 का कैलेंडर चेक करता हूँ, ये देखें आप, ये 2030 का कैलेंडर आ गया। तो है ना दिलचस्प, कितना मस्त है। आप देखिए एक सेकंड के अंदर पाइथन के अंदर आप ये काम सीख गए, तो ये है जी मजेदारी। अब आप चाहते हो कि जो आपके मोबाइल पे ओटीपी आते हैं वो वाला काम आप पाइथन से, मैं आपको सब कुछ रियल टाइम करके दिखा रहा हूँ, छोटे छोटे, मैं खाली प्लस माइनस नहीं करके दिखाना चाहता, मैं आपको रियल टाइम पाइथन सिखा रहा हूँ। तो अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको ओटीपी जनरेट करना दिखाता हूँ। तो ओटीपी कैसे जनरेट होगा? प्रिंट, प्रिंट तो आपका सिंपल है, प्रिंट से मतलब प्रिंट हो गई, किसी चीज़ को प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है? रैंडम नंबर। तो रैंडम एक मॉड्यूल है जो ओटीपी को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी रैंडम हमारे पास है नहीं, देखो एरर देगा ये, प्रिंट रैंडम, रैंडम मॉड्यूल है और रैंड इंट जो है वो इसका फंक्शन है जिससे कि रैंडम इंटीजर जनरेट होगा। आप कोई वैल्यू डाल दें यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे वैल्यू डाल दें, सपोज करें आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं, कुछ भी डाल दो यार, 50 से लेके कि 50 नंबर से लेके आप 50,000 तक का ओटीपी जनरेट करना, इसके बीच का कोई नंबर जनरेट करना। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे यहाँ पर डालना चाहते हो, दो बार ब्रैकेट को स्टार्ट किया था इसलिए दो बार क्लोज किया है। अब ये आप जब करोगे तो अभी आपको एरर मिलेगा, क्यों मिलेगा? क्योंकि अभी रैंडम नाम का मॉड्यूल आपने इंस्टॉल ही नहीं किया, ये देखिए इंपोर्ट ही नहीं किया, रैंडम इज नॉट डिफाइंड। तो बड़ा सिंपल है, इंपोर्ट रैंडम। तो जितने ज़्यादा मॉड्यूल आपको आते होंगे उतनी पाइथन ईजी हो जाएगी। इंपोर्ट रैंडम, यही कमांड दोबारा चलाओ, क्या कमांड है? रैंडम डॉट रैंड इंट, और उसके बाद जितनी नंबर से लेकर जिस नंबर के बीच का रैंडम नंबर चाहिए वो मेंशन कर दो और उसके बाद आप इसे क्लोज कर दो, एंटर करें। देखिए अब दोबारा इस कमांड को चलाऊंगा, नया ओटीपी आएगा 5674, दोबारा इस कमांड को चलाऊंगा नया ओटीपी आएगा 45062, दोबारा इस कमांड को चलाऊंगा नया ओटीपी आएगा, हर बार नया ओटीपी जनरेट होगा, है ना मजेदार? ये देखिए हर बार नया ओटीपी आ रहा है। अब बताइए इससे आसान पाइथन हो सकती है? और जबकि मैं आपको बताऊं, ट्रस्ट मी, जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ेंगे ना पूरी पाइथन निकल जाएगी, बट आप ये ओटीपी जनरेट करना नहीं जानते होंगे, और एक लाइन की कमांड है, आप बताओ। इसलिए कह रहा हूं पाइथन बहुत आसान है, बशर्ते कि आपने उसको सही से इंप्लीमेंट किया हो, सही से सीखा हो। तो मैंने दो मॉड्यूल तो आपको आज ही सिखा दिए जिनसे आप कितना अच्छा इंटरेस्टिंग काम कर सकते हो, कैलेंडर की एप्लीकेशन बना सकते हो, ओटीपी की एप्लीकेशन बना सकते हो। अब कुछ और देखते हैं, अभी तो पहला डेमो ही चल रहा है और सिंपल है। अब कोई अगर किसी के माइंड में ये आ रहा है कि सर ये प्रिंट क्या होता है, रैंडम क्या होता है, धीरे धीरे सीख जाओगे, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जैसे करा रहा हूँ ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाना, धीरे धीरे पाइथन कब आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपको मैथमेटिक्स करनी है, अब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो, प्रिंट मैथ, मैथ भी एक मॉड्यूल है जिससे कि मैथ के काम होते हैं, स्क्वायर रूट के लिए SQRT स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट निकालना है आपको किसी बड़ी वैल्यू का, कोई भी बड़ी वैल्यू, पहले छोटी का निकाल लेते हैं, 25 का निकाल के देखते हैं, एंटर करिए, एरर आएगा अभी,
क्यों आ रहा है? अगेन मैथ मॉड्यूल है, इंपोर्ट नहीं करा, तो अब आपको ये तो समझ में आ गया इंपोर्ट करना है, तो ये बात तो धीरे धीरे समझ आ गई, इंपोर्ट करो मैथ, हो गया इंपोर्ट। दोबारा कमांड चलाओ, 5, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, स्क्वायर रूट मतलब 5 मल्टीप्लाई 5। अब ऐसे ही मैं यहां पे निकालना चाहता हूं 625 का, तो 625 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 25 आना चाहिए, सी 25 आ रहा है, तो ऐसे स्क्वायर रूट निकलता है। अब माइनस का स्क्वायर रूट निकालना है, मैं यहां पे इसको माइनस कर देता हूं इस वैल्यू को, तो माइनस की वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल पाएगा? एरर आ रहा है। क्या कह रहा है कि भैया मैथ को तो माइनस में करना नहीं आता, क्योंकि ये इमेजिनरी वैल्यू हो जाती है, इसमें ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स होती है, जिनको मैथ नहीं आती कोई बात नहीं, जस्ट इसको प्रैक्टिस करके देखना। तो यहां पे कॉम्प्लेक्स मैथ आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो भी एक मॉड्यूल यहां पे होता है, तो इसीलिए ये बड़ी आसान है। कॉम्प्लेक्स मैथ को इंपोर्ट करने के लिए सी मैथ मतलब कॉम्प्लेक्स मैथ इंपोर्ट करो। अब सेम कमांड चलाओ, अब इसका भी आंसर आ जाएगा, देखो प्रिंट, अच्छा सॉरी मैथ नहीं, सी मैथ आएगा ना। अब यहां पे आपने सी मैथ को इंपोर्ट किया है, सी मैथ डॉट एस क्यू आर टी और माइनस वाला, अब आंसर आएगा 25J, जे मतलब इमेजिनरी पार्ट है, माइनस में है ना वैल्यू, इसीलिए आया है। तो इस तरीके से आप ये वाला काम भी कर सकते हो। अब सपोज आपको पाई की वैल्यू निकालनी है, आपने सुना होगा पाई के बारे में, तो आप यहां पे करोगे सी मैथ डॉट पाई, आप चेक करो 3.14159265358 पूरा नंबर आ गया जी, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब आपने कोई लॉग वैल्यू देखनी है, तो आप यहां पे क्या करोगे, प्रिंट मैथ डॉट ई, ई होता है लॉग ई, ये देखें 2.7, तो इसकी वैल्यू, लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, लॉग ई की वैल्यू होती है 2.7182। तो ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, आपके काम अभी नहीं आएगा, बट ये बाद में काम आते हैं जब आप डेटा साइंटिस्ट की जॉब कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स, तो ये जो आपके मॉड्यूल्स हैं ये बड़े हेल्पफुल होते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं ये सिंपल एंड इजी टू लर्न है, ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि एक एक सेकंड में एक मॉड्यूल इंपोर्ट करके आपने एक सेकंड में बड़े से बड़ा काम यहां पे कर देना है। सो है ना दिलचस्प, तो आई होप आपको यहां पे देखो मजा आया होगा कैलेंडर देखने में और ये सारी चीजों में। कमांड जैसे जैसे मैं यहां पे लिखवा रहा हूं, आप यहीं से कॉपी करके या मैं जैसे जैसे बोलता जाता हूं आपने नोट्स बनाने हैं। मैं इनको बोर्ड पे नहीं लिख रहा क्योंकि उससे टाइम ही वेस्ट होगा कि पहले बोर्ड पे लिखूंगा फिर यहां करके दिखाऊंगा। तो जैसे जैसे मैं यहां पे करता जा रहा हूं आप प्रैक्टिस करते जाइएगा और बाकी कुछ खुद से भी करिएगा। जैसे मैंने रैंडम नंबर यहां 50 से 50,000 दिया है, आप इस वैल्यू को चेंज कर लो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप रैंडम वैल्यू क्या डालोगे, आप यहाँ पे रैंडम वैल्यू 5,000 से लेकर और आप यहाँ पे रैंडम वैल्यू डाल लो 500,000 तक, एंटर करो तो आप कोई और नंबर आएगा। तो आप इस तरीके से कुछ भी ना खुराफाते करते रहें, ठीक है जी। तो ये आप कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। तो आई होप आपको पता चल गया होगा पाइथन सिंपल क्यों है, इजी टू लर्न क्यों है। चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो ये तो हमें समझ आ गया कि भाई मॉड्यूल्स की हेल्प से हमने चुटकियों में क्या कर लिया, कैलेंडर बना के देख लिया, मैथ के काम कर लिए, कॉम्प्लेक्स मैथ के काम कर लिए, सारे काम चुटकियों में हो गए। मैंने आपको लैब पे पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाया और अब आपको समझ आ गया होगा कि हाँ भाई इस मॉड्यूल का क्या फायदा होता है। तो आपने मॉड्यूल का इंपोर्ट किया था, तो अगर यहाँ पे आपके पास ज्यादा मॉड्यूल है तो ऑफकोर्स आप ज्यादा काम कर सकते हो चुटकियों में, बस इंपोर्ट करो और वो काम करके देख लो। तो ये फायदा है पाइथन का, इसलिए पाइथन इजी टू लर्न है क्योंकि बस अगर आपको मॉड्यूल्स के बारे में जानकारी है तो पाइथन आपके लिए आसान हो जाएगी। इसको एक और आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आपकी नजर में एक अच्छा डॉक्टर कौन है। एक अच्छा डॉक्टर वो है जिसको ज्यादा दवाइयों की जानकारी है, ज्यादा बीमारियों की जानकारी है, या अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप एक अच्छे डॉक्टर तब बनेंगे जब आपको ज्यादा दवाइयों के नाम पता है। अगर एक डॉक्टर जिसको गिनती के सिर्फ दवाइयों के नाम पता है तो क्या वो एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। यानी उसको हर बीमारी से रिलेटेड दवाई का नाम पता होना चाहिए। ऐसे ही एक अच्छे पाइथन प्रोग्रामर आप सिर्फ तभी बन पाएंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉड्यूल्स को जानते होंगे, क्योंकि अगर आपको मॉड्यूल्स पता है तो अब आप बैठ के कैलेंडर बनाने नहीं बैठोगे, उसके लिए कोड नहीं लिखोगे, सिंपल मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे, काम करोगे। यह फायदा है पाइथन का, जबकि जावा में, C++ में इनमें इस तरह की चीजें अवेलेबल नहीं थी। तो यह एक बेनिफिट है जो पाइथन आपको देता है। आपको अगर मॉड्यूल की जानकारी है तो आपको कुछ करना नहीं है, बस उसको इंपोर्ट करो, काम करो, एक लाइन के अंदर काम हो जाएगा। तो
ये इंपॉर्टेंट है कि पाइथन में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो सिर्फ पाइथन में प्लस, दो नंबर का प्लस क्या होता है, दो नंबर का माइनस क्या होता है, ये सीखना पाइथन प्रोग्रामिंग नहीं है, बल्कि ये है कि पाइथन में कितने मॉड्यूल्स हम पढ़ सकते हैं। और इसमें बहुत मॉड्यूल्स होते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा हैं, सारे आप भी नहीं पढ़ सकते, बट यस जो इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो ये एक बात हमने यहाँ पर क्लियर कर ली। सेकेंड पॉइंट आता है, Python programming provide inbuilt facility called garbage collector, which collect unused memory space and improve the performance of Python based application. ये दूसरा technical answer है जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि Python is simple. अब आप कहेंगे सर क्या मतलब है गार्बेज कलेक्टर का जो इसके अंदर होता है। देखें, जब पहले हम सी लैंग्वेज पढ़ते थे वहां पे एक कॉन्सेप्ट होता था एरेस का। जो लोग नहीं जानते, जिन्होंने सी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, वो जिस बस इस आंसर को याद रखें कि सी लैंग्वेज में एक एरेस का कॉन्सेप्ट होता था। वहां पे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी चीज को आपने 10 लोकेशंस एलोकेट करी हैं या 50 करी हैं, और उसके बाद आप वहां पे वेरिएबल सिर्फ 5 डिफाइन कर रहे हो, 5 ले रहे हो सिर्फ उसके अंदर। इसको आप ऐसे समझो कि मैं कह रहा हूं कि भाई इंट इक्वल टू 1000, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं मुझे 1000 इंटीजर चाहिए, ऐसा मान लेते हैं। अब 1000 इंटीजर में से बाद में मैंने सिर्फ 10 को यूज किया, मैंने 10 वैल्यूज एंटर करी बाद में, तो मैं टेक्निकली 990 वैल्यूज की जो लोकेशन है उन्हें मैं वेस्ट कर रहा हूं। ये कुछ ऐसे है कि मैं 1000 लोगों के लिए खाना बनाया है, लेकिन खाया किस कितने लोगों ने, सिर्फ 10 लोगों ने खाया, यानी 990 लोगों का खाना वेस्ट हो गया। टेक्निकली इसको मैं कहूं तो जो मेमोरी होती है, मैंने 1000 लोगों के लिए एलोकेट करी है कि 1000 नंबर एंटर किए जा सकते हैं, लेकिन मैं कितनी वैल्यू एंटर कर रहा हूं, सिर्फ 10 एंटर कर रहा हूं। ऐसे केस में कितनी वैल्यू वेस्ट हो रही है, 990 वैल्यू वेस्ट हो रही है अगर आपने 1000 लिए हैं। अगर आप यहां पे 100 करते हो और 10 ही एंटर करते हो तो आप 90 वैल्यूज को, यानी उनकी लोकेशन मेमोरी स्पेस को वेस्ट कर रहे हो, तो मेमोरी वेस्ट हो रही है एग्जैक्टली। अब बैक एंड पे वो मेमोरी जो है वो आपके जो है प्रोग्राम को भी स्लो कर देगी, और वो एक अच्छी प्रोग्रामर वाली बात भी नहीं आएगी। तो सी लैंग्वेज में ये एक इशू था। जब आप जावा पे आए तो सी प्लस प्लस पे आए तो सी प्लस में एक इस चीज को रिजॉल्व किया गया, वहां पे डिस्ट्रक्टर नाम की चीज आ गई। डिस्ट्रक्टर के लिए लेकिन काफी बड़ा कोड लिखना पड़ता था और आप डिस्ट्रक्टर की हेल्प से जो है अपना ये वाला काम कर सकते थे, लेकिन वहां पर आप कोड लिखकर डिस्ट्रक्ट करते थे। वहां पर अनयूज्ड मेमोरी जो आपकी होती थी, जो लोकेशंस होती थी, उनको खत्म किया जा सकता था, लेकिन उसके लिए कोड चलाना पड़ता था जो काफी लंबा होता था। पाइथन के अंदर ये फीचर इनबिल्ट होता है, गार्बेज कलेक्टर नाम का एक फीचर होता है जो उन सारी लोकेशंस को, उन सारे मेमोरी स्पेसेस को जो कि अनयूज्ड हैं, अनयूज्ड मेमोरी लोकेशन यानी कि जो कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, वो ऑटोमेटिकली उन्हें उठाता है और उन्हें गार्बेज में डाल के उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी आपकी मेमोरी को हमेशा फ्री रखता है। Try to understand, जो RAM में concept होता है, आपका मोबाइल क्या करता है, आपके मोबाइल में बहुत सारी applications चल रही हैं, जो अच्छे मोबाइल होते हैं वो क्या करते हैं, बैक एंड पे एप्लीकेशन को कुछ समय के बाद अपने आप क्लोज कर देते हैं ताकि आपके RAM फ्री रहे और आपका मोबाइल जो है वो अच्छे से परफॉर्म करे। तो ये सारे काम किस लिए हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बैक एंड पे पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से ही हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक गार्बेज कलेक्टर होता है जो कहता है भाई जो चीज यूज नहीं हो रही उसको फिलहाल मेमोरी में से निकाल के हटा दो, डिलीट कर दो, उसकी हमें जरूरत नहीं है, दैट इज गार्बेज कलेक्टर। तो ये टेक्निकल आंसर है। फर्स्ट पॉइंट इज कि आपके पास बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट, पाइथन के अंदर इनबिल्ट गार्बेज कलेक्टर होता है जिसकी वजह से ये बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इससे बेहतर है, क्योंकि यहां पे ये अनयूज्ड मेमोरी लोकेशंस या स्पेसेस को डिलीट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। सो दिस इज अ गुड थिंग। तो गार्बेज कलेक्टर की यहां पर डेफिनेशन भी लिखी है, अ गार्बेज कलेक्टर इज वन ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इन पाइथन सॉफ्टवेयर विच इज रनिंग इन द बैकग्राउंड ऑफ रेगुलर पाइथन प्रोग्राम। तो पाइथन प्रोग्राम के बैकग्राउंड में चलता रहता है और यह देखता रहता है कौन कौन सी अनयूज्ड मेमोरी स्पेस पड़ी हुई है और अपने आप करता रहेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हिज रोल इज टू कलेक्ट रिमूव अनयूज्ड मेमोरी स्पेसेस। तो ये बात हमने डिस्कस कर ली। Hence, garbage collector is taking care of automatic memory management.
तो आपका मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होता रहता है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो पाइथन को सिंपल एंड इजी टू लर्न बनाता है। अब आप कहेंगे सर इससे सिंपल कैसे हो गई, ये तो एक फीचर हो गया। बिल्कुल हो गया, लेकिन इसकी हेल्प से आप एक आपका जो प्रोग्राम है वो फास्ट एग्जीक्यूट होता है, आपकी प्रोग्रामिंग बेहतर होती है, आपको डिस्ट्रक्टर जैसे कमांड चलानी नहीं पड़ती, तो कहीं ना कहीं इजी कर दिया आपके काम को। अनयूज्ड मेमोरी स्पेस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने आप उसको मैनेज कर रहा है, तो इससे ये चीज क्या हो गई, सिंपल हो गई। तीसरा पॉइंट है पाइथन प्रोवाइड डेवलपर फ्रेंडली सिंटैक्सेस। इसके सिंटैक्सेस जो है वो बेहद आसान होते हैं, ये आप भी जानते हैं। अभी जस्ट आपको लैब में करके दिखाया, आप 2+3 लिखेंगे ये अपने आप बता देगा 5 होता है। यानी यहां पे वेरिएबल डिफाइन नहीं करने पड़ते कि ए एक इंटीजर वैल्यू है या ए एक करेक्ट स्ट्रिंग है या ए एक फ्लॉट टाइप है, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप इतना इंटेलिजेंट होती है इस प्रोग्रामिंग के अंदर, जो इसका ये प्रोग्रामिंग है, कि ये अपने आप आइडेंटिफाई कर लेती कि 2 क्या है, एक इंटीजर है, 2.0 क्या है, एक फ्लोट वैल्यू है, अपने आप आइडेंटिफाई कर लेती है। तो दिस इज अ गुड थिंग। तो पाइथन प्रोवाइड डेवलपर फ्रेंडली सिंटैक्सेस सो दैट वी कैन डेवलप एरर फ्री प्रोग्राम इन अ लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम। तो आप प्रोग्राम ज्यादा जल्दी बना सकते हैं और कम से कम एरर्स को फेस आपको करना पड़ेगा। तो पाइथन बहुत दिलचस्प है दोस्तों। तो आई होप पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आप दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। अगर पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो यहां दो बातें लिखी हैं, फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। देखिए दोनों ही अल्फाजों में बहुत डिफरेंस है। पहली बात, ये सेम नहीं होता है। फ्रीवेयर का मतलब होता है ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी लाइसेंस की या पेड वर्जन की जरूरत नहीं होती है, यानी आपको उसे इस्तेमाल करने के लिए किसी तरीके के पैसे नहीं देने पड़ते हैं, उसे हम फ्रीवेयर कहते हैं। अगर बात करें लाइसेंस्ड वर्जन क्या होते हैं, तो जैसे आप अपने लैपटॉप में विंडोज 11 यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज 10 यूज करते हैं, उसके लिए आपको एक फीस देनी पड़ती है। अगर आप कहते हैं जी मैंने लैपटॉप लिया था मेरे में तो फ्री आई है, तो आपको ऐसा लगता है, बट डेवलप जो लैपटॉप प्रोवाइडर होते हैं, जैसे आपने डेल का लैपटॉप खरीदा है या एचपी का लैपटॉप खरीदा है, उसकी कॉस्ट में ही ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉस्ट ऐड होती है। इसीलिए आपके लैपटॉप में आपको विंडोज लाइफटाइम फ्री दिखती है अगर आपने कोई लैपटॉप लिया है तो, लेकिन वहां पर उसकी फीस इंक्लूड होती है। आप देखेंगे लाइसेंस्ड वर्जन नजर आएगा। ऐसे ही आप अपना एमएस ऑफिस चेक करिए अपने लैपटॉप में, उसमें भी आपको होम एडिशन या बिजनेस एडिशन जो भी है वो आपको नजर आएगा। अगर आप फ्री वाला यूज कर रहे हैं तो वो भी नजर आएगा। क्रैक वर्जन एक अलग चीज है कि आपने क्रैक व्रैक कर लिया किसी तरीके से, बट वो होते लाइसेंस्ड ही हैं। आपने उनको गड़बड़ करके कुछ किया है तो वो एक अलग बात है, बट फ्रीवेयर में लाइसेंस की क्रैक करने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। तो पाइथन सॉफ्टवेयर इज कंप्लीटली फ्री, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, तो उसको हम फ्रीवेयर कहते हैं। ओपन सोर्स का मतलब है कि जो इसका बुनियादी पाइथन है, जो बेसिक पाइथन है जो रॉसम ने डेवलप की थी, गुडो वैन रॉसम ने जो डेवलप की थी, उस पाइथन में चेंजेस करके आप अपनी खुद की एक डिस्ट्रीब्यूशन या अपनी एक मॉडिफाइड पाइथन वर्जन बना सकते हैं। तो ओपन सोर्स का मतलब होता है कि वो कोड जो है, पाइथन का जो कोड है वो अवेलेबल है, और उसमें वो कोई भी डेवलपर उसमें चेंजेस करके अपने अकॉर्डिंग पाइथन का कोई नया रूप क्रिएट कर सकता है। दिस इज नोन एज ओपन सोर्स। ऐसे ही लिनक्स को ओपन सोर्स कहा जाता है क्योंकि लिनक्स को मॉडिफाई करके उसको उबंटू बनाया जा सकता है, सेंटोएस बनाया जा सकता है, रेड हैट बनाया जा सकता है, यानी बहुत तरह के लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस मार्केट में अवेलेबल हैं। इसीलिए लिनक्स को भी क्या कहा जाता है, ओपन सोर्स कहा जाता है। सिमिलरली पाइथन भी एक ओपन सोर्स है। हर कंपनी या डेवलपर अपने अपने हिसाब से इसके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस क्रिएट कर सकता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस पाइथन का जो सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर है वो यही है, वी कैन यूज पाइथन सॉफ्टवेयर विदाउट एनी लाइसेंस एंड इट इज फ्रीवेयर। पहली बात हमारी क्लियर है। ओपन सोर्स क्या होता है, इट्स सोर्स कोड इज ओपन, यानी सोर्स कोड का मतलब जिससे पाइथन बना है वो ओपन टू ऑल है, कोई भी उस कोड को मॉडिफाई करके अपने हिसाब से कुछ नया बना सकता है, सो दैट वी कैन कस्टमाइज बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट। The father of Python कौन है, रॉसम, जीवी रॉसम या गुडो वैन रॉसम, जिन्होंने पाइथन को बनाया था, उन्हें हम फादर ऑफ पाइथन कहते हैं। Who is father of technical गुफ्तगू? चलिए अच्छी बात है सर, आप ही हो, चले मुझे सुनाई दे गया, तो अच्छी बात है। तो फादर ऑफ टेक्निकल गुफ्तगू इज नॉट मी, यू, आप सभी टेक्निकल गुफ्तगू के फादर हैं, मदर हैं, है ना, क्योंकि आप ही से टेक्निकल गुफ्तगू है, मेरे से नहीं है। मैं फिर वही शेर दोहराना चाहूंगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर
लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया। तो ये कारवा जो बना ये आपसे बना है, मैं अकेला चलता रहता तो कुछ नहीं होता, है ना। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और मैं आपको एक बात और कहूंगा दोस्तों, देखिए जिंदगी में ना सड़क पे कितने भी पत्थर हो वो हमें परेशान नहीं करते, लेकिन अगर हमारे जूते के अंदर एक छोटा सा भी कंकड़ होता है ना तो आप 10 कदम नहीं चल सकते। आप 10 कदम नहीं चल पाएंगे अगर आपके जूते के अंदर कोई कंकड़ या पत्थर फंसा होगा, छोटा सा टुकड़ा फंसा होगा। सड़क पे कितने भी पत्थर बिछे हों आप जूते पहन के भागते चले जाएंगे, दौड़ते चले जाएंगे। कहने का मतलब जो दुनिया में आफतें हैं, जो प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं, आप उनका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर ही अगर आपने कोई प्रॉब्लम बिठा ली है, अपने माइंड में ही कोई ऐसी बात बिठा ली है मैं नहीं कर सकता, तो फिर आप 10 कदम भी चल पाएंगे। ये सोचने वाली बात है। तो आप दुनिया की हर मुसीबत से लड़ सकते हैं, आप हर चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर खुद को ये समझाना होगा मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट, राइट। और मैं ये जो बुनियादी बातें बता रहा हूं ना, अगर किसी भी शख्स ने मेरी वीडियो को यहां तक नहीं देखा ये सोच के कि ये बंदा तो थ्योरी पढ़ा रहा है, तो वो चला जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपना ही नुकसान करेगा, क्योंकि जो बातें मैं बता रहा हूं ना ये किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, ना पेड पे ना यूट्यूब पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी नहीं है, ये बुनियाद है आपकी। आपको समझ तो हो कि पाइथन में हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिये जो फादर ऑफ पाइथन थे रॉसम, उन्होंने जिस पाइथन को ईजाद किया था, जिस पाइथन को डेवलप किया था, बनाया था, उसको सी पाइथन कहते हैं। उसको पाइथन नहीं कहते, वो सी पाइथन है। आप ये कह सकते हो जो असल वर्जन है ना पाइथन का, उसको सी पाइथन बोला जाता है, ठीक है। आप कोई कहे कि सर सी पाइथन क्यों है, तो देखिए जी ये तो नाम है, मेरा नाम भूपिंदर क्यों है, चैनल का नाम टेक्निकल गुफ्तगु क्यों है, ये फिर लंबी कहानी है, तो मैं पूछूंगा रोशन से कभी, ठीक है। दिस सी पाइथन इज कस्टमाइज बाय मैनी कंपनीज कॉल्ड पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब कंपनियां इसके सोर्स कोड को इस्तेमाल करके कुछ नया बनाती हैं तो उन्हें फिर पाइथन प्रोग्रामिंग नहीं कहते, या उस सॉफ्टवेयर को पाइथन सॉफ्टवेयर नहीं कहते, उसको पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ऐसे लिनक्स से बनने वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, चाहे उबंटू है, सेंटो OS है, Red Hat है, उनको हम क्या कहते हैं, Linux distribution, याद रखना है। Open source से आप कुछ भी change करके बनाओगे तो उसको distribution बोला जाता है। There are lot of Python distribution. अब यहाँ पर Python के बहुत सारे distribution हैं। अब सवाल ही आया कि सर Python distribution हमने use क्यों करने हैं? देखें बात को समझें। Python code एक ऐसी programming है, Python programming एक ऐसी programming है कि ये कहता है भाई ना सिर्फ आप इस पे Python के program बना सकते हो, बल्कि अगर आपने Java program बनाया हुआ है, आपने .NET program बनाया हुआ है, आपने C sharp में program बनाया हुआ है, तो उसके लिए भी इसके यहाँ बहुत सारे distributions लोगों ने बनाए हैं जहाँ पे Java का code चल जाएगा उस distribution के ऊपर। आप पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन हमने इस तरीके से बनाई है कि जावा का कोड भी रन हो जाएगा, .NET का भी हो जाएगा, सी शार्प का भी हो जाएगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूशंस कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहले आता है अगर आपने जावा का कोड रन करना है, आपकी कोई जावा एप्लीकेशन है उसको आपको चला के देखना है पाइथन के ऊपर, तो वहां पे एक जायथन करके या जे पाइथन करके, दोनों में से कुछ भी नाम हो सकता है, जायथन भी कह सकते हो, जे पाइथन भी कह सकते हो, जे मतलब जावा। तो यहां पे जावा की एप्लीकेशन आप इस डिस्ट्रीब्यूशन पे चला सकते हो, यानी ये कंपैटिबल है, ये पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन कंपैटिबल है जावा के कोड को चलाने के लिए। ऐसे ही अगर आपने .NET या सी शार्प वाले एप्लीकेशन को चलाना है पाइथन के ऊपर, तो आपके पास एक पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे हम आयरन पाइथन या आई पाइथन कहते हैं, वहां पे आप सी शार्प डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन को इजिली चला सकते हो, ठीक है। जिनको नहीं पता सर सी शार्प क्या है, .NET क्या है, जस्ट इग्नोर इट, ठीक है, इतना दिमाग पे जोर ना डालें, अभी सिर्फ पढ़ लें। हर बात यहां पे मैं बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो सकती है, ऐसा समझ लो जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग होती है ऐसे ही एक सी शार्प होती है, ऐसे ही एक .NET होती है, बस ऐसे ही जावा होती है, सिंपल है। माइक्रो पाइथन क्यों होती है, माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड अगर कुछ काम आपने करना है तो एक डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पे ये सारा काम इजीली हो जाएगा, उसे माइक्रो पाइथन कहते हैं। आप उसे इंस्टॉल करो, चुटकियों के अंदर माइक्रो कंट्रोलर आपके बन जाएंगे बेहतर बढ़िया वाले। एनाकोंडा पाइथन, इसका नाम भी आपने सुना होगा। एनाकोंडा क्या होता है, दुनिया का सबसे बड़ा अजगर। पाइथन खुद में अजगर है पर इसका बाप कौन है, एनाकोंडा, जो कहां रहता है, अमेजन के जंगलों में रहता है, ब्राजील के अंदर। सुना है अमेजन नदी का नाम, सुना है, कभी नहीं सुना है तो थोड़ा बहुत ना न्यूज भी देख लिया करो, डिस्कवरी चैनल भी देख लिया करो, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं रखा, है ना। वो एक शायर ने एक शेर भी कहा था कि धूप में निकलो घटाओ में नहा कर देखो, धूप में निकलो घटाओ में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। तो थोड़ा सा यार इधर उधर भी देख लिया करें काम की चीजें, और ये वेब सीरीज में टाइम जाया ना किया करें, थप्पड़ पड़ जाएगा,
चले एनाकोंडा पाइथन यूज्ड फॉर रनिंग बिग डेटा हडूप एप्लीकेशन। देखो एनाकोंडा यानी बड़ा अजगर, तो वो बड़ा है तो वो बड़े डेटा को मैनेज करने के लिए हमने उसका नाम भी ऐसा रख दिया एनाकोंडा पाइथन। वहां पे बिग डेटा से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन पे काम करना है, बनानी है, आप इस डिस्ट्रीब्यूशन पे चुटकियों में बना सकते हो। बहुत अच्छी, तो बिग डेटा पे काम करने वाले इसका इस्तेमाल करते हैं एनाकोंडा का, ठीक है। हडूप के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रूबी पाइथन आता है, ये बीच में तकरीबन 2-3 साल पहले बड़ी पॉपुलर हुई थी ये प्रोग्रामिंग, बीच में रूबी प्रोग्रामिंग आई थी तो बड़ी पॉपुलर हुई थी टेक्निकल कामों के लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे ये गायब हो गई। और इसी पे अगर कोई इसकी एप्लीकेशन है जिसने रूबी पे बनी हुई एप्लीकेशन है तो उसको आपने पाइथन पे चलाना है, तो रूबी पाइथन नाम से डिस्ट्रीब्यूशन आता है, वहां पे आप चला सकते हो। सिमिलरली पाईपाई आता है, ठीक है, ये जिट कंपाइलर होता है, ठीक है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, तो ये भी आता है। स्टैकलेस पाइथन आता है और बहुत सारे आते हैं, मैंने कुछ नाम लिखे हैं। तो ये होती हैं जी पाइथन डिस्ट्रीब्यूशंस, और यहां पे फ्रीवेयर और ओपन सोर्स क्या होता है, आई होप ये अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो मैंने कहा कि ये जो बाकी के फीचर्स है, क्योंकि उनमें मुझे कुछ और चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है, तो मैंने प्लान किया है कि इसे मैं अगले लेक्चर में लेके आऊंगा, तो इसीलिए मैंने यहां पे लिख भी दिया टू बी कंटिन्यू, जो कि अगले लेक्चर में ये सारे फीचर्स हम कंटिन्यू करेंगे। और एज यूजुअल बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं, और एक शेर में आपको ये सुनाना चाहूंगा कि अब तबीयत में कोई फर्क तो हम लाने से रहे, अब तबीयत में कोई फर्क तो लाने से रहे, तू खफा है तो तुझे हम भी मनाने से रहे, तुझको जाना है तो जा तेरी खुशी लेकिन सुन, तुझको जाना है तो जा तेरी खुशी लेकिन सुन, हम तेरी राह तो देखेंगे बुलाने से रहे। ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।